लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे, सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान, 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा, इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूं। तो मुझे कहा गया कि नहीं नहीं देखो, ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, फिर राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए। खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है, मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें, पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें, कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ, आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया।